सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का नए चैप्टर में स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों ने चार्ट्स यानी टेक्निकल एनालिसिस सीखने की शुरुआत की है। दोस्तों अभी तक पिछले 9 एपिसोड में आप लोगों ने इकोनॉमी के बारे में समझा, इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को समझने का प्रयास किया, इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियां होती है उनके क्वालिटी पैरामीटर्स को जानने का प्रयास किया, नतीजे जब आते हैं उनको कैसे लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डेटा के साथ अलाइन करें, जिससे लॉन्ग टर्म व्यू और मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म व्यू आप लोगों को क्लियर रहे, ये समझने का प्रयास किया। बड़े जो खर्चे होते कंपनियों के कौन से होते समझे आप लोग, और अभी आप लोग 10th एपिसोड में चार्ट सीखने का प्रयास कर रहे हो। दोस्तों ये जो चार्ट्स हम लोग सीख रहे हैं इसे हम फंडामेंटल्स यानी जो चीजें आप सीख चुके हैं उनके साथ ही अलाइन करके हम लोग सीखने वाले हैं। फंडामेंटल चार्ट बगैर अधूरा है और चार्ट फंडामेंटल बगैर अधूरे हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, राइट। टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के चार्ट को समझा, राइट, OHLC चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट, आप लोगों ने अलग अलग सोर्सेस देखे कहां से चार्ट्स देखे जाए, अलग अलग फील्ड जानने का प्रयास किया, कहां पे क्या पाया जा सकता है, कहां पे भाव आते हैं, कहां पे इंडिकेटर्स होते हैं, कहां पे टाइमलाइन होती है, राइट। आप लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स किधर से लेने हैं वो सीखा, पीरियडिसिटी यानी मंथली, वीकली, डेली कौन सा चार्ट देखेंगे हम लोग, ये समझने का दोस्तों आप लोगों ने प्रयास किया। तो दिस इज टोटली बेसिक राइट नाउ, पर मैं आप लोगों को अभी से बता दूं दोस्तों बेसिक पे पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग आने वाले समय में बहुत डीप डाइव करने वाले हो। तो डीप डाइव जब हम करेंगे आप लोग चार्ट से ही शेयर कितना चल सकता है आने वाले समय में वो अंदाज ले पाओगे, शेयर कितना समय करेक्शन में रह सकता है, कितना टूट सकता है, किधर बाय करना है, कंसीडरिंग चार्ट कौन सा शेयर सबसे अच्छा है, ये सारी चीजें आप चार्ट में भी सीखने वाले हो। पर ये सब चीज पता जब चलेगी जब बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है बेसिक चैप्टर पहले दूसरे चैप्टर में भी आप लोग पूरा ध्यान देके सीख रहे हो, राइट फ्रेंड्स। यहां पे जो भी आप लोगों की कंपनियां हैं जैसे रिजल्ट सीजन अभी जस्ट ठंडी हुई है ना, लास्ट मंथ आपकी मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट आ गए, अभी भी इक्कल दुक्कल कोई कोई के रिजल्ट आते जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने इस वीक नए रिजल्ट अपडेट किए तो वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके रिजल्ट को भी हम लोग देखें और उसी को हम चार्ट में अलाइन करने का प्रयास करें, राइट फ्रेंड्स। सो यू कैन नोट डाउन इन चैट बॉक्स इफ यू हैव अपडेटेड एनी ऑफ द रिजल्ट्स लास्ट वीक। टिल दैट टाइम यहां पे जो आप लोगों ने दोस्तों क्वालिटी कंपनीज पे काम किया था, राइट, जैसे विशाल तोपिया, विशाल भाई ने पब्लिक सेक्टर बैंक पे काम किया था, अब ये पहला है, मैं इसी को ओपन करता हूं, जस्ट लेट मी ओपन पीएसयू बैंक्स, तो यहां पे पूरी लाइन लगा के सारी पीएसयू बैंक्स आ गए। तो विशाल भाई का ये मैंने कौन सा डेटा निकाला हुआ है पता है, क्वालिटी के पैरामीटर का डेटा, जब इन्होंने क्वालिटी पे काम किया था, राइट। गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट बैंक, जब भी आप बैंक्स पे काम करें आपका एनपीए का एक डेटा होना चाहिए। लेट मी चेक, ओके, देखो यहां पे विशाल भाई ने क्रॉस एनपीए एसबीआई का डाला हुआ है। मैं बता दूं बाकी सब बैंक्स के एनपीए 10% से ज्यादा है, राइट। तो जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है उनके एनपीए जबरदस्त हाई थे। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां पे शायद डाला होगा, लेट मी चेक वेर इज, हियर इट इज, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये गवर्नमेंट बैंक जितनी भी आपको दिख रही है ज्यादातर नहीं, सब गवर्नमेंट बैंक पिछले साल तक लॉस करती थी, लंबा एक समय लॉस का इनका गया और वापस से ये पहला साल है जब सारी गवर्नमेंट बैंक प्रॉफिट पे आ चुकी है,
सो दैट्स ग्रेट. गवर्नमेंट बैंक पिछले कई समय से लॉस कर रहे थे, तो उनके चार्ट भी हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ कैसे होंगे. देखो हम लोग, देखो मैं ये चार्ट पे आ गया, ये निफ्टी का चार्ट है, और ये निफ्टी का चार्ट सीधा मुझे कहता है कि मैं एक जमाने में 1000 का मेरा भाव था, मैं टूटा, ये सब गिन के अभी मैं 16000 हूं. तो 1000 से 16000 यानी करीबन 16 गुना निफ्टी हुआ है. और ये जो निफ्टी है ये अपने सारे हाई के ऊपर है, राइट. निफ्टी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई के नजदीक है. लाइफ टाइम हाई कितना था? 18600. देखो यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट वॉच ईयर, यहाँ पे हाई, ओपन हाई, लो क्लोज दिए जाते हैं. मैं सबसे ऊपर की कैंडल पे गया, मुझे 18604 दिख रहा है. तो 18600 से अभी 16000 हम करीबन लाइफ टाइम हाई पे है. पर इसको आप पीएसयू बैंक से ट्रैक करो. चलो मैं यहाँ पे पीएसयू बैंक और इंडाइसिस क्लिक करता हूं ताकि हमें इंडाइसिस दिखाई दे. तो दिस इज निफ्टी पीएसयू बैंक. देखो पीएसयू बैंक का अधूरा चार्ट है, ये इंडेक्स पुराना नहीं है. देखो कब से अवेलेबल है, दिस इंडेक्स इज अवेलेबल सिंस, जस्ट अ मिनट, ओके, इंडेक्स इज अवेलेबल सिंस 2011. सो वी आर हैविंग द हिस्ट्री ऑफ जस्ट 11 और 12 इयर्स, नॉट अ लॉन्ग हिस्ट्री. पर पिछले 11-12 साल की हिस्ट्री भी देखे तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक का चार्ट ऊपर से नीचे आ रहा है. कैन यू सी दिस थिंग? 2011 में अगर ये गवर्नमेंट बैंक करीबन 4000 थी तो अभी ये 2500 है, करीबन आधी. ऐसा क्यों? यह आपके क्वालिटी में ही दिखाई देता है गवर्नमेंट बैंक की, कि ज्यादातर बैंक्स लॉस करती थी तो इनका इंडेक्स भी नेगेटिव था, राइट. सो दिस इज द वे यू कैन रिलेट. एक तरफ हमने निफ्टी देखा जिसका परफॉर्मेंस सॉलिड है, एक तरफ हमने गवर्नमेंट बैंक देखी जो अंडर परफॉर्म कर रही थी. तो सीधी बात है, पिछले 10 साल से अगर किसी ने सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में निवेश किया होगा तो निफ्टी भले आपको 12-13% के रिटर्न दे रहा है, पर गवर्नमेंट बैंक ने उनको नेगेटिव रिटर्न दिए. व्हाई? बिकॉज बैंक्स वर नॉट एबल टू ग्रो देयर सेल्स. नॉर्मल 5% से सेल्स बढ़ रहे थे एंड प्रॉफिटेबिलिटी वॉज नॉट देयर. ऑलराइट, इसको आप प्राइवेट बैंक से जरा कंपेयर करके देखो. देखे दोस्तों हम लोग, देखो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे प्राइवेट लिखा, हियर आई हैव रिटन प्राइवेट. देखो इंडाइसेस है तो निफ्टी प्राइवेट बैंक आ गई. सी, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक के बीच में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कैन एनीबडी टेल मी? दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या यहाँ पे? ओके, विशाल भाई अगर हो तो विशाल भाई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, क्योंकि आप ही ने गवर्नमेंट बैंक पे काम किया था विशाल भाई. Yeah, sir. Yeah, so here we can see private banks are growing, so its sales are increasing, so because of that the chart is also going high. Yeah, so see, just during last, your government banks data are available from 2016. So if you even check past 5 years data, private banks are almost double, right? So private, if you have invested in private bank, there's high probability that you have made money. But if you have invested in government bank, तो क्या हुआ होगा विशाल भाई? Increasing, decaying capital. Decaying, right? तो losses. तो अलग अलग index इसी प्रकार से देखने के तो थोड़ा learning मिलेगा. Charts देखो बहुत simple है, अगर उनको हम simplicity से रखेंगे तो chart आपको long term wealth creation के window open करेंगे, right? हमने private bank देखा, हमने government bank देखा, हमने निफ्टी देखा, साथ में हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं, यानी जिसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सब कुछ आ गया. सो दिस इज बैंक निफ्टी. देखो बैंक निफ्टी का पुराना डेटा अवेलेबल है. अब एज पर बैंक निफ्टी, योर बैंक निफ्टी विच वॉज 3000 इन 2005 इज टूडे 30000. मतलब 15 साल में विशाल भाई बैंक निफ्टी कितना हुआ है? 10 times, राइट? जस्ट लेट मी चेक एग्जैक्ट 15 साल में निफ्टी कितना हुआ है. 2005 से हमें देखना होगा, तो हियर इज 2005, निफ्टी वॉज 2000 और अभी 15000 है, 16000. तो निफ्टी कितना हुआ विशाल भाई? 8 times.
8 टाइम्स. बैंक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया? 10 टाइम्स. तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया हम कह सकते? यस. या तो उसमें किसका वेटेज होगा, मतलब किसका योगदान होगा, गवर्नमेंट बैंक्स की प्राइवेट बैंक्स? प्राइवेट बैंक. लेकिन इतना ज्यादा प्राइवेट बैंक से वो तो नहीं हुआ ना, ऐसा क्यों हुआ? ये विशाल भाई, अब प्राइवेट बैंक का हमने जो चार्ट देखा उसमें तो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा, लेकिन निफ्टी बैंक देखा तो उसमें ज्यादा ग्रोथ देखा. देखो विशाल भाई, प्राइवेट बैंक का जो चार्ट देखा ना वो 2016 से देखा, लॉन्ग चार्ट अवेलेबल नहीं है. तो प्राइवेट बैंक, ये अगर बैंक निफ्टी बढ़ा है तो वो गवर्नमेंट बैंक की वजह से नहीं बढ़ा है, वो प्राइवेट बैंकिंग की वजह से बढ़ा हुआ है. क्योंकि पहले निफ्टी बैंक ही था, फिर अलग अलग दो पार्ट आए, गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक इंडेक्स में, राइट? ओके. अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया, अब मान लो आपको जानना है कि किसने ज्यादा आउट परफॉर्म किया, गवर्नमेंट की प्राइवेट, तो आपने दोनों के अलग अलग इंडेक्स देखे और आपको कुछ आइडिया आ सकती है. Am I right, sir? Yes. निफ्टी बैंक ने 10 गुना रिटर्न 15 साल में, मतलब ऑलमोस्ट हर साल डबल, ऐसा रिटर्न कैसे दिया, क्यों दिया होगा? बिकॉज ऑफ द सेल्स ग्रोथ. सेल्स ग्रोथ, देखो पुरानी बैंक कौन सी है विशाल भाई, गवर्नमेंट बैंक पुरानी है कि प्राइवेट बैंक पुरानी है? प्राइवेट, गवर्नमेंट बैंक. गवर्नमेंट बैंक है ना, आजादी के समय से गवर्नमेंट बैंक है. प्राइवेट बैंक का जन्म ही अभी 3 दशक पहले हुआ, तो प्राइवेट बैंक लेट आए, पर प्राइवेट बैंक ने ग्रोथ जबरदस्त किया. आप जानते हो विशाल भाई एचडीएफसी बैंक का सेल्स ग्रोथ कितना है पिछले 20 सालों का? आई थिंक इट इज मोर देन 20 टाइम्स. 20% सीएजीआर. लेट मी चेक, यहाँ अगर किसी ने काम किया हो, देखो कनू रॉय ने काम किया हुआ है, हम लोग देखते हैं कनू रॉय का डेटा क्या कहता है. 27 साल का कितना कगार है? 32% कगार से अगर धंधे बढ़ेंगे, राइट? अब खाली एचडीएफसी बैंक के नहीं, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, प्राइवेट बैंक आई, इमर्ज हुई और जबरदस्त ग्रोथ आया. तो प्राइवेट बैंक्स ने रिटर्न आपको जबरदस्त दिए, राइट? गवर्नमेंट बैंक्स में एनपीए के प्रॉब्लम आए, गवर्नमेंट बैंक ऑलरेडी पेनेट्रेटेड थी, लोगों ने गवर्नमेंट के बदले प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवाने शुरू किए और देखते ही देखते सब प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करने लगे. Am I right? Yes. एनपीए अगर प्रॉब्लम आया गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट में नहीं आया, तो उसकी इफेक्ट रिटर्न पे पड़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे. एचडीएफसी बैंक के एनपीए करीबन 1% है, जबकि गवर्नमेंट बैंक में ज्यादातर तो बैंक ऐसी है जिनके एनपीए 10-10% है, कुछ बैंक्स के 15% प्लस थे ग्रॉस एनपीए. 15% प्लस मतलब अमेजिंग, एकदम खराब, राइट? जैसे आईडीबीआई एक टाइम पे गवर्नमेंट थी, फिर उसको सेल कर देना पड़ा क्योंकि उसके 18-20% जैसे एनपीए थे, राइट? तो आईडीबीआई को लिया किसने? एलआईसी ने लिया, राइट? तो ये निफ्टी, निफ्टी बैंक हमने कंपेयर किया. अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बैंक्स को कंपेयर करते हैं. कौन सी बैंक देखेंगे पहले? एचडीएफसी बैंक, और वो तो लीडर है, राइट? चलो एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे मैंने इंडाइसिस किया है, मुझे क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे? देखो नहीं आ रहा है शेयर, स्टॉक्स या ऑल? ऑल कर देते हैं, बराबर? ओके, तो एचडीएफसी बैंक ये मैंने क्लिक किया. एचडीएफसी बैंक अभी हमने 2005 से अभी के रिटर्न देखे, तो बैंक निफ्टी ने कितने रिटर्न दिए? 10 गुना, राइट? एचडीएफसी बैंक के देख लेते, 2005 में इनका प्राइस था 50, अभी भाव है 1300, कितना रिटर्न हुआ सर? 13 नहीं, कितना हुआ? 7. देखो ऐसे कर ले रहेगा, 1300 और नीचे 50 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो, कितना गुना हुआ? 26 गुना, राइट? तो बैंक निफ्टी 10 गुना और उसमें एचडीएफसी बैंक कितना गुना हुआ 15 सालों में? 26 गुना. 26 गुना,
15 साल में 26 गुना यानी हर साल डबल से ज्यादा रिटर्न, राइट। तो आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है आपको चार्ट में, नीचे से चार्ट चालू होता है किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। तो ज्यादातर आप प्राइवेट बैंक देखोगे तो उनके रिटर्न अच्छे होंगे, ज्यादातर कह रहा हूँ, उसमें सबसे अच्छी बैंक्स के बढ़िया रिटर्न। अब जैसे HDFC बैंक है, टॉप बैंक है, ये लोग 50% डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी इफेक्ट भाव पे कैसे पड़ती होगी, कोई आइडिया आपको? तो ज्यादा नहीं होगा, यानी भाव इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। भाव इतना ज्यादा नहीं फास्ट क्या होता है, जैसे अभी जस्ट आज अगर HDFC बैंक ने मान लो 20 रुपया डिविडेंड दिया तो वो एक्स डिविडेंड हो जाता है, यानी 20 रुपया आपकी बैंक में आ गया, ऐसे सब शेयर होल्डर की बैंक में जाएगा। तो जाता किधर से है? टोटल रिजर्व में से। यस, इसीलिए वो शेयर एक्स डिविडेंड होता है तो उतना गिर भी जाता है, राइट। तो हर साल अगर ये लोग 50-50% डिविडेंड बांटेंगे तो आपको कैश बेनिफिट हुआ, पर उसकी इफेक्ट भाव पे आती है, राइट। अब जैसे कोटक बैंक है, कोटक बैंक डिविडेंड खाली 5% देता है, कितना? 2-5%। तो मतलब बहुत, हम ये कह सकते हैं निग्लिजिबल डिविडेंड देता है, तो उनके रिटर्न काफी अच्छे होंगे। देखो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपको देखो फायदा या बैंक में होना है या भाव पे होना है, राइट। देखो कोटक बैंक 2005 का भाव 40 रुपया, अभी भाव 1700 रुपया, कितना रिटर्न हुआ? 34 times 40 और 1700, 34 times, उससे भी ज्यादा, 40 गुना, राइट। क्योंकि इस केस में हर साल आपको डिविडेंड नहीं मिले, राइट। पर ओवरऑल आप जब भी प्राइवेट बैंक्स को निकाल के चेक कर रहे हो तो आपको रिटर्न कैसे आएंगे? अच्छे आएंगे। ICICI बैंक 2005 में इनका भाव था, ICICI बैंक को वैसे प्रॉब्लम था NPA का, लोएस्ट NPA अगर प्राइवेट बैंक में थे तो कोटक के और HDFC बैंक के, राइट। देखो ICICI बैंक का 2005 में भाव था 95 यानी ऑलमोस्ट 100 रुपीज, अभी भाव है 700, कितना रिटर्न हुआ? 7 times, राइट। इसने भी HDFC बैंक की तरह 25-30% तो डिविडेंड इन्होंने भी दिए है, राइट सर। अब ये हुई सब प्राइवेट बैंक, अब इनको गवर्नमेंट बैंक से आप कंपेयर करो, देखो कौन सी है, SBI। तो सबसे पहले हम यहाँ पे SBI देख लेते हैं, राइट। सो दिस इज SBI, 2005 में SBI का भाव था 55 रुपया, राइट, 60 रुपीज गिन लो, और अभी का प्राइस है 450, कितना रिटर्न हुआ? 9, मतलब SBI और ICICI बैंक के रिटर्न एक समान, सही बात है? यस, आपको जान के ताज्जुब होगा कि दोनों के NPA भी एक समान है। ICICI प्राइवेट होने के बावजूद उनके जो NPA है वो SBI जैसे ही है, इसीलिए उनके रिटर्न भी SBI जैसे, राइट। पर आपको इसको कंपेयर किससे करना चाहिए? इंडेक्स से। मैं आपको वापस बता दूं बैंक इंडेक्स कैसा था, यह है निफ्टी PSU बैंक, बैंक इंडेक्स कैसा है? गवर्नमेंट बैंक इंडेक्स, ऊपर से नीचे, तो मतलब वेल्थ डिस्ट्रक्शन, यस। लेकिन SBI का चार्ट कैसा था? ऊपर। तो ये एक बड़ा वेरिएंस हुआ कि नहीं? मतलब SBI ने कमा के दिए है पैसे, राइट। इन्होंने डिविडेंड भी बहुत अच्छे दिए हैं, तो SBI इज अ गुड बैंक अमंग विच अमंग गवर्नमेंट बैंक्स, है ना। पर हम इसको HDFC से कंपेयर कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि SBI का सेल्स ग्रोथ हुआ होगा मुश्किल से 10%, HDFC का 20% प्लस, राइट। HDFC के NPA 1.5%, SBI के 5.5%, तो प्रॉफिट में भी फर्क पड़ता है ना। पर गवर्नमेंट बैंक में अगर आप देखो तो SBI बेस्ट। दूसरी कोई गवर्नमेंट बैंक याद है आपको नाम? बैंक ऑफ इंडिया। चलो बैंक ऑफ इंडिया, ओके, कैसा चार्ट है बताओ? डिक्रीजिंग, वो ऐड आती थी ना मैकडोनाल्ड की, आपके जमाने में बाप के जमाने के भाव, ऐसा ही है। देखो IPO के भाव चल रहे हैं यार, अगर 1997 में आपने अगर बैंक ऑफ इंडिया के IPO में सब्सक्राइब किया होता 60 रुपीज पे,
तो आज भी उसका भाव उतना ही, सही बात है। यस 30 साल हो गए, आपने कितना कमाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? नो क्वालिटी। कंपनी लॉस पे लॉस करती जाएगी, कब तक आप इसको रखोगे? आपको कुछ मिलेगा नहीं, ना डिविडेंड आएगा, ना भाव में एप्रिसिएशन आएगा। तो इसमें और एसबीआई में कोई डिफरेंस है? यस, है ना, सीधा देखो चार्ट में नजर आ रहा है। एनपीए छोड़ो, चार्ट तो क्लियर है कि नहीं है? राइट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा बताए? ये सबके एनपीए आपको डालने चाहिए ताकि आपको रियल डिफरेंस पता चले यहाँ पे, कि बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए कितना है, दूसरी बैंक का कितना है, आप उसका क्वालिटी कंपेयर कर पाओगे। राइट सर? यस। और कोई दो बैंक देख लेते फटाफट, और कौन सी गवर्नमेंट बैंक याद है आपको? बैंक ऑफ बड़ौदा सर। हेलो, बैंक ऑफ बड़ौदा कर लेते। दिस इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या चार्ट कहता है? एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या डिफरेंस है? पंद्रह साल वाला देखो, बैंक ऑफ इंडिया में तो हम गिर ही नहीं सकते थे, 30 साल में रिटर्न जीरो। यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा 2005 का भाव था इनका 50 रुपया, अभी भाव है 100 रुपया। मतलब 15 साल में कितना रिटर्न हुआ हमारा? डबल। डबल। अगर हमने एफडी ली होती तो 15 साल में एफडी कितनी होती? 4 गुना तो शायद हो जाएगी। 3 गुना 4 गुना हो गई होती। तो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर से एफडी ज्यादा अच्छी की नहीं है? यस। एकदम सिंपल सी बात है। क्यों? हाई एनपी अगेन, लॉस मेकिंग, ये सब इनके कारण है। लेकिन मेरे को और एक चीज बताओ, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई डिफरेंस है? यस। बैंक ऑफ इंडिया आईपीओ के भाव पे चल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा आईपीओ के भाव पे नहीं चल रहा है। राइट। इट इज बेटर देन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर सर? यस। राइट। चलो और एक बैंक देख लेते, बताओ कोई भी। केनरा बैंक। केनरा बैंक, चलो केनरा बैंक। यस, क्या कहती है केनरा बैंक? एसबीआई और केनरा बैंक में क्या डिफरेंस है? स्टिल नॉट गुड एज एसबीआई। ये जितना 2005 में भाव था उतना ही आज है। तो ऐसा क्यों हुआ? इन्वेस्टरों को 30-30 साल तक शेयर लेने के बाद पैसा नहीं मिला। तो हम लोग जब कहते हैं दोस्त लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, पैसा बनने ही वाला है, क्या सही में सिर्फ लॉन्ग टर्म रहने से पैसा बनता है क्या? नहीं, नहीं बनता है। अब लॉन्ग टर्म के साथ आपको सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, ऐसा सेक्टर, ऐसी कंपनी। राइट। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर में रहे तो फिर पैसा तो नहीं आया अपने पास। राइट। ना डिविडेंड अपने पास आया इतना, तो दिस इज वेल डिस्ट्रक्शन। इसीलिए हमने पहले कौन सा काम किया था? ग्रोइंग का। जब आप ग्रोथ देखते हो तो आपको पता चलता है प्राइवेट बैंक इज हैविंग बेटर ग्रोथ एंड गवर्नमेंट बैंक आर नॉट हैविंग दैट मच ग्रोथ। क्वालिटी देखते हो तो भी पता चलता है प्राइवेट बैंक आर बेटर क्वालिटी, गवर्नमेंट बैंक नॉट विद दैट मच क्वालिटी। गॉट इट विशाल भाई? ओके। तो बीच में ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इसमें थोड़े टाइम के लिए पोजीशन करके इसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए? यहाँ पे देखे तो एक बार तो ऐसा देखते कि 80 रुपीज से 650-700 तक गया है, फिर बाद में फिर से नीचे आ गया। राइट। तो ऐसा होगा ना, मैं इसलिए तो कहता हूँ कि लोग मंदी में फंसते नहीं है कभी। लोग फंसते कब है पता है? तेजी में। तेजी में ही फंसते है क्योंकि तेजी में उनको यह लगता है सब कुछ अच्छा है। ये आपका कैनरा बैंक नहीं चल रहा था, ये बाजार चल रहा था। तो जब बाजार चलता है, बैंकिंग चल रहा था, लोगों को लगता है सब कुछ चलेगा। राइट। कुछ प्रॉपर फंडामेंटल से चलते हैं और कुछ आशा से चलते हैं कि इंडिया बढ़ने वाला है, इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा तो ये कंपनी भी बढ़िया चलेगी। पर ऐसा नहीं होता है। अभी मंदी चल रही है, लोग मंदी में फंसेंगे नहीं, लोग मंदी में एकदम कॉशियस रहते हैं। पर वापस जैसे तेजी आएगी नहीं कि लोग वापस फंसना चालू करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी ले लेंगे। राइट सर? ओके ओके। तो ये सब चल रहा है, मैं थोड़ा ले लूं, ऐसा सब नहीं करने का। बराबर ना? ओके। हमने जब LIC का IPO का जब रिव्यू दिया था तो बहुत लोगों ने बोला था, नहीं पीयूष भाई मैं 10% लेके निकल जाऊंगा।
टेंशन मत लो, कितने लोग 10% लेके निकले, कोई नहीं आधा हो गया। तो ये 10-10% में नहीं पढ़ने का, या हम लोग 10-10 गुना करने के लिए आए हुए 10% के चक्कर में रहेंगे तो समय भी बिगड़ेगा पैसा भी बिगड़ेगा, बराबर है सर? ओके ओके यस थैंक यू। सो देखिए विशाल भाई के साथ जब हमने उनकी ऑलरेडी काम की हुई बैंक पे हमने देखा तो कैसा, आपको सीधा चार्ट से पता चल रहा है, तो चार्ट का मुश्किल है। लोग कहते हैं चार्ट ट्रेडिंग के लिए बने, अरे कुछ ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, उनका दिमाग ट्रेडिंग में चलता है इसलिए उनको लगता है चार्ट ट्रेडिंग के लिए बने। चार्ट आपको वेल्थ क्रिएशन के रास्ते बता सकते हैं, कितना सिंपल, राइट? यू कैन क्लासिफाई विच आर बेटर सेक्टर, विच आर गुड सेक्टर्स, ऑलराइट। अब यहां पे लेट मी चेक किसने हैंड रेज किए हुए। ओके समीर भाई, यस कहिए समीर जी। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग समीर भाई, ये सिंपल सा, वैसे तो ये मतलब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मुझे लग भी नहीं रहा। आपने निफ्टी बैंक का चार्ट जैसे खोला था तो उसमें अप्रैल 2021 मार्च से लेके जुलाई तक बहुत सारे वॉल्यूम दिख रहे हैं और आगे पीछे वॉल्यूम ही नहीं है। एक मिनट अगर हम चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके मैंने यहाँ पे वैसे वॉल्यूम डाला नहीं है, वॉल्यूम में डाल देता हूँ। मैं इधर अपना देख रहा था साथ साथ। हाँ जस्ट अ मिनट। ओके यस, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये जो नीचे दिख रहे हैं वो। हाँ जी यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का डेटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल वॉल्यूम नहीं थे, पर ये गलत डेटा है, राइट? जी मेरे को क्लियर करना था कि ये ऐसा क्यों दिख रहा। बाकी ऐसा नहीं होता है कि अचानक खाली 3 ही महीने में वॉल्यूम आया है, कम से कम इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है, बराबर है? ओके नहीं, वॉल्यूम बाकियों में भी है पर उसमें वॉल्यूम बहुत कम है, राइट? पर ऐसा नहीं है बिल्कुल इतना है जैसा दिख रहा है वैसा, बराबर ना? तो अभी हम लोग वॉल्यूम पे नहीं जाएंगे, वॉल्यूम पे जब जाना आएगा मैं सिखाऊंगा वॉल्यूम में कैसे देखने का, राइट? ओके राइट सर। क्या कहिए मनोज भाई, आपने हैंड रेस किया हुआ है? यस सर। गुड इवनिंग सर। सर जब आप अभी बात कर रहे थे तो 3-4 चीजें मगे दिमाग में आ रही थी सर, जैसे कि आपने एक चीज बहुत क्लियर है कि इन्वेस्ट करना है तो HDFC बैंक में करना है, तो साथ साथ में सर कोटक बैंक भी अच्छा लग रहा है। अभी अभी रिसेंट पास्ट में SBI ने भी अच्छा किया और ICICI बैंक ने भी अभी अच्छा किया, रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, राइट? तो इस केस में हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाते हैं, HDFC SBI आई बैंक एंड कोटक बैंक, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ HDFC बैंक में रहना चाहिए या थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी करना चाहिए? देखो मनोज भाई, होगा क्या पता है, अभी आपके पास 4 ऑप्शन है जी। अभी जैसे इम्प्रूवमेंट आएंगे ना आने वाले 2 साल में जी, आपके पास 15 ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि सब परफॉर्म करेंगे जी सर, राइट? नहीं देखने का, सब जो बेस्ट है उसी पे ध्यान दो ताकि लॉन्ग टर्म में तेजी आपको अच्छी मिले, कंसिस्टेंट डिविडेंड मिले और गिरावट में वो कम पार्टिसिपेट करे। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे हमने जो देखा कोटक परफॉर्म कर रहे, सब परफॉर्म करेंगे अभी तो आने वाले टाइम में, बराबर है? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हम सिर्फ HDFC बैंक में कर रहे हैं कि HDFC को भी हमने, क्योंकि मर्ज होना है, 3-6% हम पोर्टफोलियो में एलोकेशन सोच रहे हैं। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है या इक्विटास है जो टॉप 2 स्मॉल फाइनेंस में है, तो थोड़ा बहुत पैसा स्मॉल फाइनेंस में लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का सोच के या नहीं? लगा सकते ना समीर भाई, क्यों नहीं लगा सकते। देखो जैसे आपको ग्रोथ स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो मिलेगा वो ये प्राइवेट बैंक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब आने वाले समय में आपको 15% का सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस ज्यादा दे सकते हैं वो 25% का ग्रोथ दे सकते हैं क्योंकि वो अंडर पेनिट्रेटेड है। स्मॉल फाइनेंस में मुझे तो AU स्मॉल फाइनेंस ही ठीक लगता है, बराबर है? AU अच्छी बैंक, राइट? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप डाल सकते हो पैसा, लेकिन दूसरी एक चीज की भी तैयारी रखो, ये सब की क्वालिटी बहुत घटिया होती है,
तो होता क्या है, आपको वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर लेना है तो हम एनपीए वगैरह चेक करके और अच्छी फेयर प्राइस पे लें। अभी क्या है ना, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो जो है अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट। अब एयू हो, उज्जीवन हो, राइट, ये सब अपने अपने रीजन में अच्छा काम कर रही है। पर इन सब की शुरुआत है, देखो मैं उनका चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे। एयू और उज्जीवन वगैरह के तो बहुत बुरे हाल हो गए हैं, सूर्य तो सबके पूरे, तो मेरे ख्याल से सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाल है। फिर भी मतलब उनमें तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। अभी इनका जन्म ही अभी कब हुआ है, 2017 में, 2017, तो आपके पास मतलब चार्ट बहुत लंबे नहीं है, राइट। और इसमें देखो वॉलेटिलिटी भी कैसी आती है, जैसे ये कोविड में क्या हुआ था, 609 वाला सीधा 183, मतलब आधे से भी ज्यादा हुआ था ना। तो वॉलेटिलिटी इसमें बहुत रहती है। अभी भी जो इनका भाव है वो वही है, प्री कोविड वाला ही भाव है, देखा आपने, राइट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको ग्रोथ मिलेगा, पर बहुत बड़ा आप पोजीशन नहीं रख सकते हो, आधा एक टका बराबर, राइट। क्योंकि अभी इनकी क्वालिटी, अभी इनके एनपीए काफी होंगे, इनको थोड़ा टाइम लगेगा इंप्रूवमेंट में, राइट। 0.5% इज इनफ, ठीक है, ओके। एंड अमोल देशमुख, या कहिए अमोल भाई। सर मुझे भी वो थोड़ा वॉल्यूम से रिलेटेड डाउट था, इंडेक्स में कभी कोई बाइंग सेलिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम किस बेसिस पे वहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे? इंडेक्स में बाइंग सेलिंग नहीं है, पर आपके जो इंडेक्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो कंपनियां है, उसमें तो है ना, ये उन्हीं का टोटल रहता है। ओके ओके सर, बराबर है, हाँ सर, ओके, थैंक यू, ओके। अमूल भाई और मेरे ख्याल से ओके, इतना हैंड रेस्ट है, और मेरे को चैट बॉक्स देखने दो, आप लोगों ने काफी चीजें चैट बॉक्स में लिखी हुई थी। सुनीता मैडम एचडीएफसी बैंक, समीर भाई सर जस्ट अ स्मॉल क्वेरी, हाँ ये तो हमारा बात हो गया, एनपीए इज हाई एंड आईसीआर इज वेरी लो, नो सिलेक्शन ऑफ द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली राइट, बराबर है। तो अभी हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, हम लोग अभी क्वालिटी कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर देख रहे हैं, लेकिन जो काम हमने अधूरा छोड़ा है बिहेवियर साइंस में रिजल्ट अपडेट करने का, मैं चाहूंगा आप लोगों ने जो जो कंपनियों पे काम किया है हर कंपनी के रिजल्ट अपडेट कर दे, तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, राइट। सो नाउ हमने सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक चेक की, विशाल भाई की ये सारे सेक्टर थे। मैं अभी आता हूं सुवेंदु मुंडल, इनके सेक्टर पे। सुवेंदु भाई आप है हो क्या, लेट मी चेक, सुवेंदु मुंडल मेरे ख्याल से मीटिंग में नहीं है, ओके, तो लेट मी मूव फर्दर। सुनीता मैडम या सुनीता वासी, आपने कुछ सेक्टर पे काम किया हुआ है, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो मैडम, एंड आई एम, या गुड इवनिंग मैडम। तो मैं यहाँ पे आपकी जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस वाला सेक्टर ओपन कर रहा हूँ। मैंने ना ये यहाँ तक ही किया, लास्ट एक मंथ से इतना ट्रैवलिंग था और कुछ बिजनेस, ओके, मैं बस यहाँ तक ही कर पाई, उसके बाद मैंने कहीं नहीं किया। आई चोज द कंपनीज बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट, नहीं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को आप ये तो बता सकते हो मैडम कि ये जो सेक्टर है जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस, ये सेक्टर को हम किस में गिनेंगे, मतलब इसका मेन पेरेंट सेक्टर क्या हो सकता है? ऑटो हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाला सेक्टर हो सकता है, कंसम्पशन वाला मान सकते हैं, नो ऑटो नो केमिकल, या डिस्क्रिशनरी, राइट। तो डिस्क्रिशनरी सेक्टर जो होता है मैडम, उसमें डेवलपिंग कंट्री में वहां पे सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा आता है, तो हमें ये सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे कई कंपनीज है, टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट ना, कल्याणी ज्वेलर, थांगेमाल, मतलब जो ज्वेलरी के शोरूम है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बार टाइटन ओपन करता हूं, तो ये है टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी का चार्ट हम देखें, उसके साथ वापस से मैं एक और बार निफ्टी आपके सामने
ओपन करता हूं निफ्टी, ताकि हमें याद आ जाए कि निफ्टी के रिटर्न कैसे थे। पिछले 15 साल में हमने देखा करीबन 10 गुना रिटर्न हमको निफ्टी बैंक ने दिए हुए। अब इसको मुझे कौन से इंडेक्स से कंपेयर करना चाहिए मैडम? अगर मैं टाइटल देख रहा हूं तो कंज्यूमर, हाँ कंजप्शन वाला सेक्टर करना चाहिए जी। चलो मैंने ये सेक्टर ओपन किया कंजप्शन, इसका लॉन्ग डेटा अवेलेबल नहीं है मैडम, राइट? इनका डेटा अवेलेबल है 2011 से, मतलब पिछले 11 साल का डेटा है। तो लास्ट 11 इयर्स में सेम डेटा पीएससी बैंक का अवेलेबल था। हमने पीएससी बैंक का चार्ट देखा यहाँ पे कि पीएससी बैंक के रिटर्न पिछले 11 साल के कुछ ऐसे थे, ऊपर से नीचे चार्ट, राइट? अगर हमने लाख लगाए तो अभी हमारी वैल्यू 50,000 रुपया है, बराबर? अगर मैं वही पैसा अगर मैंने कंजप्शन के सेक्टर में डाला तो मेरा हाल क्या है पिछले 11 सालों में? ग्रोथ है सर यहाँ पर, या 1900 वाला 6,500 इंडेक्स, मतलब कितने रिटर्न हुए मैडम? सर लगभग 3.12। अगर हमें 10 साल में 3 गुना रिटर्न मिले तो ये रिटर्न अच्छे है मैडम? यस सर, गुड रिटर्न, राइट? दशक में हमारे रिटर्न 3 गुना हुए कंजप्शन में, तो ये एक ऑब्वियसली अच्छे रिटर्न है। ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है कि पीएसयू बैंक सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था? नो सर, नो डाउट ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक, करेक्ट मैडम? तो अगर आप फंडामेंटल देखते, आप ग्रोथ देखते कंपनियों का, तो ऑब्वियस है आपको कंजप्शन की कंपनियों के ग्रोथ अच्छे नजर आते। आप क्वालिटी देखते तो आपको कंजप्शन की कंपनियों की क्वालिटी अच्छी नजर आती इन कंपैरिजन विद गवर्नमेंट बैंक, राइट मैडम? राइट सर। और पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे थे मैडम कि गवर्नमेंट बैंक बुक वैल्यू के नीचे चल रही है, तो गवर्नमेंट बैंक को लेनी चाहिए। बहुत से लोग पिछले 10-10 साल से यूको बैंक, कैनेडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया इकट्ठे किए जा रहे थे, पर उनको रिटर्न नहीं मिले। क्यों ऐसा हुआ? वो तो सस्ते थे, बुक वैल्यू से भी कम भाव था उनका, फिर क्यों ऐसा हुआ? क्वालिटी मेन चीज है, क्वालिटी, सेल्स नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, और इस वजह से वहां ग्रोथ नहीं मिला, राइट? मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, ओके। अभी मैंने आपको बुक वैल्यू वाली बात बताई कि ये बुक वैल्यू से भी कम भाव पे चल रहे थे, तो देखो ये बुक वैल्यू से अभी भी कितना कम चल रहा है मैडम? 0.33, राइट सर, मतलब बुक वैल्यू से 33% भाव है इसका खान, राइट? तो क्यों गवर्नमेंट बैंक्स अपने बुक वैल्यू से कम भाव पे चल रहे होंगे? उसका बड़ा कारण है क्योंकि ये कंटिन्यू लॉस कर रहे थे। बुक वैल्यू बनती कैसे है मैडम? कैसे हम लोग गिन सकते हैं अपने आप बुक वैल्यू? सर दोबारा बोलिए क्या? आपको अगर जानना है कोई भी कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है तो आप कैसे गिन सकते हो? यस सुनीता मैडम को कौन हेल्प कर सकता है? यस एनीबॉडी, आप हैंड रेज कर सकते हो। इफ आई वांट टू काउंट द बुक वैल्यू ऑफ एनी शेयर, हाउ विल आई काउंट? ओके, देखो किसने हैंड रेज किया है, जस्ट अ मिनट। विशाल भाई, या विशाल भाई आप गाइड कर सकते हो सुनीता मैडम को प्लीज, हाउ टू काउंट बुक वैल्यू? जो भी रिजर्व कंपनी का जमा हुआ है उसको डिवाइड कर, टोटल इक्विटी से डिवाइड करें तो जो भी उसको बुक वैल्यू गिन सकते हैं। टोटल रिजर्व, सही बात है विशाल भाई? यस, रिजर्व प्लस इक्विटी, विशाल भाई बराबर ना? मतलब टोटल इक्विटी, ओके, टोटल इक्विटी डिवाइड बाय क्या करेंगे? टोटल इक्विटी, नहीं, हाँ टोटल इक्विटी डिवाइड बाय शेयर्स, मींस इक्विटी, बिल्कुल सही बात है, शेयर, नंबर ऑफ शेयर, राइट? देखो यहाँ पे जब आपने टॉप क्वालिटी पे काम किया हुआ है टाइटन के, तो मेरे को देखने दो क्या बुक वैल्यू आपने निकाली है? नहीं निकाली, नहीं निकाली। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैडम आपको एक डेटा डालना पड़ेगा रिजर्व का, राइट? अब अगर आपको पता है कि टाइटन हर साल प्रॉफिट करता जा रहा है तो टाइटन की जो बुक वैल्यू है वो हर साल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। आपको पता है मैडम कि बैंक ऑफ इंडिया बरसों से लॉस करता जा रहा है,
तो उसकी बुक वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी सर। तो इसीलिए इन्वेस्टर होशियार होते हैं, पहले से प्रिपेयर होते हैं, उनको पता है कि मैं क्यों इसको बुक वैल्यू पे भी लूं, जब इसके प्रॉफिट हर साल गिरते जा रहे हैं तो बुक वैल्यू तो इसकी कम होनी है, राइट? इसीलिए ये अभी भी बुक वैल्यू से कम भाव पे मिल रहा है। एंड लेट मी चेक टाइटन, मैंने यहाँ पे टाइटन क्लिक किया और देखो ये कितना महंगा चल रहा है, जस्ट लेट इट ओपन। बुक वैल्यू से कितना महंगा है मैडम? 19.10, 8.20 गुना। तो ऐसा क्यों टाइटन में 20 गुना भाव, मतलब ये तो बहुत महंगा हुआ, पर फिर भी टाइटन को लोग लेते जा रहे हैं और वो बेचारा बुक वैल्यू पे मिल रहा है तो भी इंटरेस्ट नहीं है किसी को, क्यों ऐसा? क्वालिटी, क्वालिटी। हमको पता है कि टाइटन हर साल बुक वैल्यू में इंप्रूवमेंट करता जाता है, बढ़ता रहता है, राइट मैडम? सर हमें कहीं से ये भी पता चल सकता है कि बुक वैल्यू, अगर मुझे पिछले 10 साल की उसकी बुक वैल्यू देखनी है, माने 2012 में कितना था, 13 में कितना है, तो ऐसा भी मैडम कर लेने की ना। देखो क्या करने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइटन पे आ गया, लेट मी ओपन इट। अच्छा, लेकिन किसने काम नहीं किया इसके ऊपर, कोई भी कंपनी में, जैसे यहाँ पे बजाज ऑटो ओपन करता हूँ, केतन शाह ने बजाज ऑटो पे काम किया हुआ है। अगर आपको बुक वैल्यू जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी के साथ एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, वो कौन सा? बुक वैल्यू का टोटल इक्विटी। ओके ओके, रिजर्व मिला के। देखो अगर आपके पास टोटल इक्विटी आ गई तो ये पूरे हिस्ट्री की बुक वैल्यू भी तो आपको मिल गई, जब कंपनी लॉसेस करती है तब कंपनियां बुक वैल्यू पे सपोर्ट लेती है, राइट? तो बुक वैल्यू का आपने फॉर्मूला बताया, दैट इज इक्वल टू सर प्लस इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। हाँ देखो, टोटल रिजर्व डिवाइड बाय इक्विटी डिवाइड बाय शेयर। ओके, मतलब नंबर ऑफ शेयर हमको करने है। अगर आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर पता है तो okay. क्या कर सकते हो, टोटल रिजर्व डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आ गए बुक वैल्यू। ओके ओके, बराबर है। ओके, सो यहाँ पे हमने टाइटन का डेटा देखा जो बढ़िया था। अब मैं इस टाइटन को चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं बुक वैल्यू कैलकुलेशन का, एक छोटा बुक वैल्यू के मैं बताता हूं सर अभी, राइट? लेट मी चेक हियर, एक ही मिनट। रिजल्ट में हमने ओके मेरा डेटा मैं आपको बताता हूं, हो सकता है वहां से आपको बुक वैल्यू मिल जाए। हर टाइम हम लोग बुक वैल्यू नहीं देखते, बुक वैल्यू देखने की जरूरत कब पड़ती है बताए, जब आपकी कंपनी लॉस करती है तो आपको पता रहना चाहिए कि कंपनी लॉस करती है तो वो अटकेगी किधर, अपनी बुक वैल्यू पे वो ब्रेक लगेगी उसकी, राइट? जैसे यस बैंक जब टूट रहा था तो हमने सबसे पहले कहा था कि ये उसकी बुक वैल्यू 20 रुपया है, राइट? उसके आसपास ब्रेक लगनी चाहिए, फिर और उनके एनपीए बढ़े, राइट? तो आपको कम से कम आइडिया रहती है कि 150 वाला कितना आ सकता है। जैसे वंडरला जो आपकी लेजर की कंपनी है, राइट? यहां पे लाइफ इंश्योरेंस पैकेज जनरल, लेट मी चेक, एम्यूजमेंट पार्क। ओके, वैसे मैं जो भी डेटा डालता हूँ उसमें बुक वैल्यू का एक पोर्शन तो रखता ही हूँ। हम लोग जब रिजल्ट अपडेट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर कंपनियों में हमने दिया होगा कंपनी का बुक वैल्यू क्या है। चलिए, ये वंडरला का डेटा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने बुक वैल्यू लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? 2019 में ये जो कंपनी पे विपरीत इफेक्ट आई थी तो उस समय उनकी बुक वैल्यू तो 150 रुपया थी, राइट? तो 150 का बुक वैल्यू था, हमें पता रहता है कि ओके चलो 150 रुपए का बुक वैल्यू है, ये तो सपोर्ट मिलेगा, तो ये हमने गिना कैसे बुक वैल्यू,
सिंपल, ये रिजर्व मैंने लिखा है रिजर्व डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। मैंने अगर कोई जगह पे इसका काम किया हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। जस्ट अभी मैंने डेल्टा कॉप का भी रिजल्ट अपडेट किया था। ओके, देखो यहां पे मैंने डेल्टा कॉप का बुक वैल्यू डाला हुआ है, दिख रहा है सबको 76 रुपीज, और ये मैंने आपके लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो फॉर्मूला मैंने क्या डाला है, J3 है ना, यानी टोटल इक्विटी डिवाइड बाय ब्रैकेट में इक्विटी डिवाइड बाय फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए, तो ये आ गया बुक वैल्यू आपका। देखो डेल्टा कॉप अपने बुक वैल्यू से 2 गुने भाव पे ट्रेड कर रहा है, पीबीवी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू, बराबर है। चलो अभी यहां से हम लोग बाहर निकलते हैं, एंड मैं यहाँ पे टाइटन का मैंने चार्ट ओपन किया 2015। अगेन अगर हम लोग 2005 का बेस ले तो 2005 में आपका टाइटन का भाव था 25 रुपया, अभी भाव हम लोग गिन सकते करीबन 2500 रुपया। कितना रिटर्न दिया है मैडम टाइटन ने? 100 टाइम्स क्या सही बात है मैडम, 100 टाइम्स। तो 15 साल में ये कंपनी ने आपको 100 टाइम रिटर्न दिए, कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने बरसों से गवर्नमेंट बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है, उनको 10 साल पहले भी टाइटन लेने में डर लगता था, उनको लगता था ये टाइटन नहीं चलेगा, बहुत चल चुका है। पर देखो रिटर्न कौन देता जा रहा है, जो कमा रहा है। क्लियर है मैडम? अच्छा चार्ट है टाइटन का, बिल्कुल अच्छा सारा। अभी टाइटन को हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कंपनियों के साथ, जैसे कुछ ज्वेलर की कंपनियां हैं। देखो टाइटन की मैडम अपनी ब्रांड है तनिष्क, कुछ और उनकी ब्रांड है फास्ट ट्रैक, और कई नई नई ब्रांड्स वो लोग लेते आ रहे हैं। अब आप अगर पीसी ज्वेलर का चार्ट देखे, यह है पीसी ज्वेलर, सर होपलेस है, टाइटन के अलावा कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं ज्वेलर में जो प्रॉफिट कर रहा हो मैडम, कोई नहीं है। वैभव ग्लोबल भी देखा तो सिर्फ टाइटन ही है इस लाइन में, राइट। तो मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं, पर जब तेजी आएगी ना तब ये सब चलेंगे, तब हर एक कंपनी को चलना है। ये कल्याण ज्वेलर्स रेंज बाउंड, जबकि टाइटन ये 2 साल में भी अच्छा चला हुआ है, राइट। और कोई ज्वेलर की कंपनी का नाम याद है आपको? एनी वैभव ग्लोबल सर, वो भी इसी तरीके से ही है, वैभव ग्लोबल। वैसे वैभव ग्लोबल का थोड़ा काम अलग है, हाँ वो जेम्स में और इसमें क्या, पर देखो ये वैभव ग्लोबल का चार्ट बहुत डाउन जा रहा है, बहुत ज्यादा, तो देखो 1-1.5 साल से डाउन है। अभी ये 1050 रुपया था और 1000 से 300 रुपया, कितना वॉलेटिलिटी हुआ, ये 70% डाउन आ गया, राइट। पर ये पहली बार नहीं है, ये इसकी हमेशा की वॉलेटिलिटी है। जब ये यहाँ पे 2006 में गिरा था तब भी 100 का कितना आ गया था, 2 रुपीज, यहाँ पे 180 से जब ये गिरा 30 रुपीज। पर लोग क्या देखते पता है, ये चला कितना जबरदस्त था, उनको पता नहीं है कि खाली चला कितना, वो नहीं देखना चाहिए। अब दोनों चीज देखो, चलना और टूटना, सबको मिलके चेक करना है, बराबर है। आप जनरली कभी बहुत सी बार आप लिटरेचर पढ़ोगे कि वैभव ग्लोबल 10 गुना चल चुका है, आपने नहीं लिया क्या बात है, वो इतने चार्ट की बात करते हैं, इतना आधा चार्ट, फिर लोग लेते हैं कि वाह 10 गुना हो गया तो अच्छा ही है, फिर यहाँ पे आके फंसते हैं, बराबर। ओवरऑल डेटा आपके फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है, और चार्ट भी आपको यही सब चीजें सूचक करते हैं। क्लियर है मैडम? तो दिस वॉज अबाउट योर जेम्स ज्वेलरी, राइट। बढ़िया सेक्टर है, पर इसमें भी बढ़िया कंपनी में ही काम करने का। यहाँ पे मेरे को देखने तो किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, रिजर्व अरविंद जायसवाल, अरविंद भाई आपने राजेश एक्सपोर्ट लिखा है, तो राजन एक्सपोर्ट के डेटा देखे अरविंद भाई आपने? हाँ अरविंद भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। उसका सर एक्चुअली, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, एक्चुअली राजेश एक्सपोर्ट का सिर्फ सेल्स ग्रोथ दिखता है, बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स में नहीं है कंपनी, बाकी सर देखो मैंने बहुत से, मेरे को लोगों ने वीडियो फॉरवर्ड किए हुए कि राजेश एक्सपोर्ट एक वेल्थ क्रिएटर है, बहुत बढ़िया कंपनी है, आज से नहीं
दस दस साल से वीडियो चल रहे थे, राइट। लेकिन सिर्फ लोगों की बात पे नहीं जानेगा, हम अगर इनका ओवरऑल बिजनेस देखेंगे, ये 2-3% के मार्जिन पे काम करते, हाई डेप्ट बर्डन है कंपनी पे, तो नहीं रहने का ऐसी कंपनियों में। देखो हमने राजन एक्सपर्ट कभी लिया नहीं, भले इसने यहाँ पे तेजी किया, सो वॉट, बाद में ये 5 साल से लोगों को रुला रहा है, राइट। तो कारण क्या है, वही सब फंडामेंटल जो आप लोगों ने यहाँ पे काम किए हुए। कहाँ गया राजन एक्सपोर्ट का काम, ये रहा, राइट। इनके मैडम ने बोरोइंग्स और वो सब नहीं डाले, लेकिन देख लेने की, वो सब हाईली डेंजरस, तो ऐसी सब कंपनियों से दूर रहने का, राइट। इसमें और टाइटन में कितना बड़ा डिफरेंस है, देखो पिछले 5 साल में भी इसने बढ़िया रैली किया है, और दूसरी तरफ ये, राइट। देन अरविंद भाई जी सर, सो अब हमने कुछ कंपनियां यहाँ पे चेक की, सेक्टर देखे, तो कभी भी जब आप चार्ट में काम करते हो, कोई एक कंपनी नहीं देखने की कि मेरी ये फेवरेट है, लाओ मैं ये कंपनी देखो, ऐसा नहीं। कंपनी सिलेक्ट करो, उसकी पीयर ग्रुप की कंपनी के साथ चार्ट में कंपेयर करो, और उसका इंडेक्स भी देखो। हमने बैंक देखने से पहले क्या देखा, बैंक का इंडेक्स देखा। हमने टाइटन देखने से पहले क्या देखा, टाइटन का इंडेक्स देखा, और उसको निफ्टी से कंपेयर किया। तो ये हायर की में जाना जरूरी है, कंपनी, कंपनी से पहले इंडेक्स, सो इंडेक्स कंपनी, और फिर उसका पीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये आपको सही राह पे ले जा सकता है। डन एवरीवन, तो इसी प्रकार से आप सब लोग आगे बढ़ते रहिएगा, राइट। हम लोग आपकी, मैं क्वालिटी कंपनीज में वापस जाता हूं, और हम लोग एक और सेक्टर अभी देख लेते हैं आज, राइट, क्योंकि अभी हमने आज बेसिक ही किया है, नेक्स्ट वीक हम इसमें और डीप डाइव करेंगे। तो सुगम कश्यप, लेट मी चेक, सुगम कश्यप है क्या मीटिंग में, सुगम भाई, सुगम कश्यप, ओके, सुगम भाई मीटिंग में नहीं है। उनके बाद है यहां पे नाम सहस्र नमन जी, या मिस्टर सहस्र नमन, लेट मी चेक, सहस्र नमन, ओके, सहस्र नमन जी भी मेरे ख्याल से मीटिंग में नहीं है। फिर है कुशल काले, कुशल काले, एंड कुशल काले जी के बाद केतन शाह, राइट, लेट मी सी, केतन भाई, केतन भाई, ओके, सो केतन भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग केतन भाई। आपने शुरुआत में केतन भाई 2-3 व्हीलर पे काम किया था, राइट, फर्टिलाइजर पे काम किया, लॉजिस्टिक। हम लोग यहाँ पे 2-3 व्हीलर ओपन करते हैं, मैंने आपका ये 2-3 व्हीलर का विंडो ओपन कर दिया, बराबर। जब आप फंडामेंटल पे काम कर रहे थे, तब आपको इसमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी नजर आई थी, बजाज ऑटो आई थी, बजाज ऑटो, ओके। तो बजाज ऑटो देखो, आइसर देखो कि हीरो देखो, ये सब कौन से सेक्टर का पार्ट है, 2-3 व्हीलर किसका पार्ट है, ऑटो का, ऑटो। तो हमें ऑटो इंडेक्स देखना चाहिए पहले जी सर, ताकि हमें थोड़ी आइडिया आ जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूं ऑटो इंडेक्स पे, ये है निफ्टी ऑटो। अब निफ्टी ऑटो का चार्ट सर कितना अवेलेबल है, 2012 से, तो आधा चार्ट है, 2011 से ही अवेलेबल है। तो अगेन देखो, गवर्नमेंट बैंक का चार्ट तो बिल्कुल घटिया था, कंजप्शन का चार्ट अच्छा था, राइट। निफ्टी ऑटो का चार्ट, आप 4,000 का भाव 11,000 देख रहे हो, मतलब कितना हुआ पिछले 10 सालों में सर, ऑलमोस्ट 3 times, थोड़ा कम, 3 times, और 3 times से थोड़ा कम। कंजप्शन देखा था, वो कितना था 11 सालों में, 3 गुना से ज्यादा, राइट, करेक्ट। तो से देखा जाए तो ऑटो बैंक गवर्नमेंट बैंक को आउट परफॉर्म कर रहा है, पर कंजप्शन को अंडर परफॉर्म कर रहा है, हम ये कह सकते हैं, यस यस, राइट। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ गवर्नमेंट बैंक होगी तो पोर्टफोलियो बुरा होगा, ऑटो होगा तो पोर्टफोलियो ने निफ्टी से अच्छे रिटर्न दिए होंगे, या निफ्टी जैसे रिटर्न दिए होंगे, पर कंजप्शन होगा तो आउट परफॉर्मेंस होगा, बराबर।
ऑटो में एक बुरी बात मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है और वो इधर है, देख रहे हो आप? यस यस, कि ऑटो अभी जो भाव चल रहा है ये 2018 के भाव से भी नीचे चल रहा है, देख रहे हो आप? यस सर, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी हो तो ऑल्ट एच करके ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो मैंने ऑल्ट एच किया और ये लाइन आ गई, इसको जरा लाइन को मोटी कर देता हूं। तो मेरे को ये नजर आ रहा है कि अगर किसी ने ऑटो इंडेक्स में 2018 में पैसे डाले होंगे, यानी 3 साल पहले 4 साल पहले, तो अभी उनका रिटर्न कितना होगा? क्या 4 साल में उनको अच्छी कमाई हुई है ऑटो में? खास कुछ नहीं, तो डिविडेंड मिला होगा, वही कुछ नहीं, कुछ नहीं, वही भाव चल रहा है तो हम कमाए क्या? कुछ भी नहीं, राइट? तो निफ्टी में अगर मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया होता, तो दिस इज 2018 और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये लाइन के ऊपर है कि नीचे है सर? निफ्टी ऊपर ही है, मतलब निफ्टी ने तो हमको 50% रिटर्न दिए पिछले 4 सालों में, 50% ऑलमोस्ट, राइट? राइट। के विपरीत अगर मैं ऑटो में आ गया तो ऑटो ने मेरे को नेगेटिव रिटर्न दिए 4 सालों में, राइट? तो ऑटो का पोर्टफोलियो अगर होता तो मेरा अंडर परफॉर्मेंस होता, निफ्टी की कंपनियां होती तो मेरा आउट परफॉर्मेंस होता। डन सर? राइट। अब ऑटो हमको पता ही है बुरा परफॉर्मेंस है, राइट? अब हम बजाज ऑटो को देखते हैं, राइट? कोयर इज बजाज ऑटो, लेट मी चेक, दिस इज बजाज ऑटो। मैं यहां पे 2018 पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मुझे बताइए सर, ऑटो और बजाज ऑटो में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? ये 2018 से थोड़ी चली है, जाके परफॉर्म करके वापस अंडर परफॉर्म हो गई। पर ये ऑटो से आउट परफॉर्मर है कि अंडर परफॉर्मर है? आउट परफॉर्मर, ऑटो को आउट परफॉर्म किया है, राइट? देखो निफ्टी को इसमें अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी ने 50% रिटर्न दिया और ये थोड़ा ही ऊपर है अपने 2018 के भाव से। Correct. पर ये क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि इसका जो मेन सेक्टर है ऑटो, वो बुरा फंसा हुआ, राइट? ऑटो में अगर मेरे पास कोई कंपनी होती, दूसरी कोई भी, तो मेरा पैसा अच्छा नहीं बना होता। पर बजाज ऑटो होती तो कम से कम मैंने नुकसान नहीं किया, और बजाज ऑटो आपको 50-80% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है सर। कितना? 50-80% तक का डिविडेंड बजाज ऑटो देता है, तो आपको कंसिस्टेंटली हर साल पैसा भी मिला एफडी जैसा, और उसके साथ रिटर्न भी हमारे ठीक ठीक है। ओवरऑल मेरे पास ये जो चार्ट है ये 2008 से है, 2008 मतलब 14 साल हुए, राइट सर? राइट। तो 14 साल में जैसे मेरे पास ये ऑलमोस्ट 2010 से शेयर, राइट? इसने हर साल डिविडेंड दिया, एवरी ईयर 50% प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिविडेंड, और उसके साथ ये जो 500 रुपए का भाव था ये अभी करीबन 3,500 है। कितना गुना भाव हुआ सर 14 सालों में? 7 times। तो पैसा बना अपना बजाज में, पूरा सेक्टर होने के बावजूद जहां पे अपने पैसे बने विद कंसिस्टेंट डिविडेंड एंड रिटर्न, राइट सर? राइट। इसको हमें किससे कंपेयर करना चाहिए? With, हीरो, आईसर, बराबर ना? करेक्ट। yes, तो मैं यहाँ पे हीरो मोटर लिखता हूं। ये 2018 का भाव है, मुझे बताइए सर बजाज में और हीरो में क्या डिफरेंस है? बजाज इसमें आउट परफॉर्म करके अंडर परफॉर्म हो गया, मतलब अगर मेरा हीरो में पैसा होता तो पैसा बना होता कि बजाज में पैसा होता तो बना होता? बजाज में बना होता ना, इसमें तो नहीं। अब यही चीज आपको फंडामेंटल में भी नजर आ रही है कि बजाज इज बेटर देन हीरो, बराबर ना? तो देखो दोनों चीजें आपको एक ही मैसेज देगी, राइट? यहाँ पे भी मान लीजिए अगर 2008 में आपके पास शेयर होते, इसका भाव 900 रुपया है और अभी इसका भाव करीबन 2,500 रुपया है, करेक्ट? पिछले 14 सालों में कितना पैसा बना के दिया इसने? 900 का 2500 मींस इट इज 2.7 3 टाइम्स है ना? 3 टाइम्स,
और बजाज ऑटो ने कितना रिटर्न दिया? सेवन टाइम्स, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं हाई क्वालिटी, अगर मैं ग्रोइंग कंपनी में निवेश करता हूं, क्वालिटी का ध्यान रखता हूं, तो मेरे शेयर में वॉलेटिलिटी कम होगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखो टूटते हर एक है, हर शेयर का नंबर लगता है टूटने में, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा पैसा बनता है, राइट सर? राइट। इसको और कोई कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं? है ना, उसमें पीएस कंपनी आई सर। कैसा चार्ट है आई सर का? ये 2018 सेम लाइक हीरो मोटर, करेक्ट, राइट। टीवीएस से कंपेयर करें, चलो टीवीएस का, हीरो का, बजाज का चार्ट में क्या डिफरेंस है? ये तो काफी दूर गए, जाके वापस आए, राइट। पर हीरो से ज्यादा अच्छा है, पर बजाज से बुरा है, बराबर, करेक्ट। या और एक मेरे पास कंपनी है यही सेक्टर की, ओके, नहीं है लगता है अभी, नहीं होगी। और कौन सी है? वॉर्ड इन मोबी, ये तो मेरे को लगता है पुरानी नहीं है। ये कंपनी का आईपीओ तो जस्ट अभी थोड़े समय पहले ही आया है, तो इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है, बराबर है, बहुत पुराना डेटा नहीं है इनका, राइट। पर छोटे हिस्ट्री पे जाने का जरूर नहीं, बराबर। क्लियर हुआ सर कुछ चीजें आपको चार्ट में? चार्ट से या काफी क्लियर हुआ। या तो इसी प्रकार से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग क्या करें, ये जो टॉप क्वालिटी पे आप लोगों ने काम किया हुआ था, यहाँ पे हर एक सेक्टर में एक एक करके कंपनी देखो। ये मत बोलो होटल में इंडियन होटल बुरी है, उसको दूसरी कंपनियों से तो कंपेयर करके देखो, तो सही में पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये है आपकी नेक्स्ट वीक की एक्सरसाइज। हम लोग नेक्स्ट वीक कुछ और चीजों पे आगे बढ़ेंगे, राइट। चार्ट की शुरुआत की है सीखने की, तो कुछ और चार्ट पे हम लोग डीप डाइव लगाएंगे। साथ में मैं चाहूंगा जो जो कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, आप लोग बिहेवियर साइंस में उन कंपनियों के रिजल्ट को अपडेट करते जाए, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, कल ही से आपके नए एपिसोड सब अपडेट हो जाएंगे अगले हफ्ते के, राइट फ्रेंड।